हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है। तो भाई आज सबको पता ही, आज क्या है मतलब इस साल का सबसे महापर्व स्टार्ट हो चुका है रक्षाबंधन। तो गाइस मैंने सोचा कल से ही आप लोग को मैं दिखाऊं वीडियोस, क्योंकि हमारे इधर काफ़ी राखी के मतलब मार्केट लगे हुए थे, मिठाइयां, राखी, और साथ ही साथ मार्केट का माहौल वहाँ क्या जमजमाहट था। तो मतलब यार कल मैं नहीं कर पाया क्योंकि कुछ रीज़न के मतलब यार मैं बिज़ी था काफ़ी। तो भाई मैंने सोचा आज मैं फुल डे कवर करूंगा, और राखी का पर्व है तो यार सबको ही दिखाऊंगा मैं अपने घर का माहौल, प्लस हमारे बहन जो आएंगी, एक छोटी वाली बहन भी है। तो गाइस बहुत दिनों बाद हम आपके साथ अब मिल रहे हैं। तो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा कोई भी, और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा कोई वीडियोस आए तो सबसे पहले आप देखो और हमें भी तसल्ली पहुंचे। तो गाइस चलिए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं अभी का माहौल घर पे क्या है। मतलब अभी तो यार सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरी एक छोटी वाली बहन है वो मुझे राखी बांध के अपने नानी घर जाएगी, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले आज उससे राखी बंधवाएंगे, तो हम देखते हैं पहले वो क्या कर रही है। तो मिलते हैं हम लोग। ये रही हमारी छोटी बहन जो नाच सुन के तैयार है, ठीक है। और ये भी कहाँ जाओगी, मतलब बताओ कहाँ जाओगी। सार्थक के घर मतलब, और एक भाई है उसके घर जाएगा, बट ये एक्चुअली मतलब ये अपनी मम्मी के साथ नानी घर जा रही है, तो जिस कारण मतलब सुबह सुबह उठ गई है। ये भी उठती है, 9 बजे उठती है, तो सुबह सुबह उठ गई है और ये मुझे राखी बांधने के लिए तैयार है। मतलब ये नहा के तैयार है, मैं नहीं नहाया हूँ, ठीक है। तो यार इनकी राखी बांधने का इसका जो रिक्वायरमेंट है, मतलब ये इनको क्या क्या चाहिए बताओ। अच्छा राखी बांधोगे तो कितना पैसा चाहिए। 500। याद रखिए बोलो। 500 का क्या करोगे। चिप्स खरीदेंगे। 500 का चिप्स खरीदेगा। तो ये हमारी छोटी वाली बहन है जो अभी मतलब जाएगी अपने नानी के घर, तो सबसे पहले ये हमें राखी बांधेगी, ठीक है। तो गाइस हम मिलते हैं नहा के मिलते हैं, क्योंकि इन्हें भी लेट ना हो जाए, तो फिर हम आपसे मिलते हैं नहा के, ठीक है। तब तक हमारे ब्लॉग पे बने रही है। A few minutes later. तो भाई प्लान में चेंजेस है अभी, मतलब बहन थोड़ा लेट से जाएगी, तब तक हमने सोचा कि आपको ना हम थोड़ा मार्केट घुमा लाएँ, ठीक है। तो यार मतलब बस ऐसे सडनली प्लान हुआ, तो अब देख सकते हो हुलिया मेरा, मैं अप एंड में जा रहा हूँ मार्केट। तो गाइस हम चलते हैं अभी आपको मार्केट लेके, ठीक है, और देखते हैं मार्केट का क्या माहौल है, कैसा भीड़ है अभी, ठीक है। तो चलिए मार्केट घूमते हैं। तो भाई मैं अभी आ गया हूँ घर, अभी मैंने आपको दिखाया यार मार्केट, काफ़ी तेज़ धूप हो रखी थी, तो अभी हम चलते हैं घर और स्नान स्नान करते हैं, फिर राखी बंधवाते हैं। ये भी आ गया हमारे पास, चल घर चल, ओके मिलते हैं गाइस हम घर पे। 3 hours later. तो भाई मैं तैयार हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने भाई का, ठीक है। तो यार इससे पहले यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई, आप देख ही सकते हो काफ़ी घनी बारिश हुई, मैक्सिमम 2 घंटे कंटिन्यू बारिश हुई है। तो 2 घंटे तक मैं ऐसे ही में बैठा था मतलब। तो भैया जी मैं तैयार हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने भाई का, तो बस आ ही गए हैं, तो वो आते हैं फिर हम लोग सबको एक साथ बैठ के राखी बंधवाएंगे, फिर आपको वो भी दिखाते हैं, तो हम कुछ देर बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई ऑलरेडी हमारा भाई आ गया है, मतलब मनन आ गया है, अभी हम लोग यहाँ राखी बांधेंगे बैठ के, ठीक है। तो सारा प्रिपरेशन ले रहे हैं, फिर आपको हम 2 मिनट बाद दिखाते हैं सारा प्रिपरेशन और राखी का जो ये है।
तो गाइस अभी आपने देखा हमने राखी बनवाया मतलब बहन से, अभी आपने राखी का वो देखा और अभी हमने जाएंगे और एक भाई के पास। हो सकता है मैं कैमरा नहीं लेके जाऊँ, बट अगर मैं लेके गया तो मैं ज़रूर कवर करूँगा उस वीडियो को। सो गाइस मिलते हैं हम कुछ देर बाद, तब तक घर पे सब कुछ है तो यार थोड़ा बोलने में हेजिटेशन हो रही है। फिर मिलते हैं कुछ देर बाद और फिर आपसे हम बात करते हैं। और एक भाई के घर, तो कैमरा मैंने ले लिया है साथ में, ठीक है, तो हमारे साथ जा रहे हैं सबको। तो अभी हम चलते हैं अपने भाई के घर और आपको हम दिखाएंगे वहाँ पे। तो भाई फाइनली मैं अभी अपने भाई के मतलब और एक भाई जिसके घर पे मैं निकला था आने के लिए, तो मैं पहुँच गया हूँ। और यार पता नहीं क्यों इतना आज जाम लगी पड़ी, आप देख सकते हो गाइस पीछे साइड, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे मेरी बहन राखी बांधने की, छोटे भाई को, ठीक है, दो बहन है तो दोनों बहन ही, दो भाई को राखी बांधने की। फिर हम लोग यहाँ पे शायद हम लोग का लंच का प्लान है, तो हम लोग लंच करेंगे फिर उसके घर जाते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं यार आज का जाम किस मतलब कितना यार, अभी तो शायद कम हो चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई अभी हम चलेंगे अंदर और देखते हैं बहन राखी बांध दी भाई को, ठीक है। ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे हैं, ठीक है, भूख भी काफ़ी लग गई है, तो हम लोग राखी बांध के लंच करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे, ओके भाई। तो भाई अभी मैं आपको मिलाऊंगा हमारे भाई और बहन से, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर तैयार है, तो हम लोग मिलते हैं अपने भाई बहन से और ठीक है, और हम लोग अभी क्या करेंगे, राखी बांधेंगे ना, ठीक है। तो इसे हम प्यार से बप्पी लड़ी कहते हैं, और ये हमारा छोटा गुगलू भाई हो गया, ठीक है, और ये हमारा बहन, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर राखी बांधेंगे, सब रेडी ऑलमोस्ट, तो चलो जल्दी जल्दी चलो चल तो भाई अभी आपने देखा यहाँ भी राखी मतलब राखी पहना दी, ठीक है, और मेरे माथे का टिक्का जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो अभी हम लोग मतलब हमारा ये वाला भाई की ना मतलब ब्लॉग करता है, देखता है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लंच का प्लान है, तो हम देखते हैं लंच में क्या क्या, क्योंकि यार भूख काफ़ी लग चुकी है, ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं। ए फ्यू मिनट्स लेटर। सो गाइस अभी हम हैं अपने दादी के मतलब पापा के नानी घर पे, क्योंकि यार 20-22 साल बाद दादी के भाई अपने घर पे थे, तो दादी का भी कहना था कि मैं भी अपने भाई का राखी, मतलब यार भाई बहन का पर्व है तो यार राखी तो सबको ही बांधते हैं। तो अभी मैं उस वाले भाई के घर से आ गया सीधे दादी को लेकर, मतलब उनके भाई के घर। तो अभी हम लोग देखेंगे उनके भाई को राखी बांधते हुए, ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं। और तकरीबन पता है दादी 20-22 साल बाद राखी बांध रही है, तो ये भी देखेंगे हम लोग, और चलिए मंदिर चलते हैं और देखते हैं राखी। तो भैया जी अभी आपने देखा मतलब दादी अपने भाई को राखी पहनाई तकरीबन 20-22 साल बाद, आप समझ ही सकते हो तो दादी की फीलिंग्स। तो अभी क्या है ना कि अभी शाम हो गया है और हमारे इधर यार काफ़ी घनी मतलब यार बहुत ही अजीब सा जाम लगा पड़ा है। तो हम लोग ना यार लाइट कम पड़ रही है, तो अभी हम लोग हो सकता है घर जाने में टाइम लगे मेरे को, ठीक है। तो ये रहा हमारा मतलब गांव, अभी बारिश हुआ तो पानी भरा पड़ा है, पहले इधर पूरा खेत ही खेत था, हमारा खेत भी इधर ही है, ठीक है, तो एक तरह से माना जाता है हमारा गाँव है, ठीक है। सो गाइस हम अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और हैप्पी रक्षाबंधन सभी को, और सभी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, और जिसे तो भैया जी जिसे भी हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब आपने अब तक कर ही दिया होगा, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे कोई वीडियोस आए सबसे पहले आप देखो। तो भाई हमारे ब्लॉग पर इसी तरह बने रहिए, हम मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग पर, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए।